हाय गाइस, श्रुति की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मुंबई की फेमस वड़ा पाव की सूखी लाल चटनी की रेसिपी। बिल्कुल सिंपल एंड इजी तरीके से इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो वड़ा पाव की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम बादाम को रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच बादाम ले लिया है। अब इसे हमें भूनना है। तो इसे हम मीडियम आंच में थोड़ी देर इसे रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए, बादाम हमारा अच्छे से भून चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे मैंने 3 सूखी लाल मिर्च लिया है, इसे भी हम भून लेंगे। मिर्ची को भी हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम 2 बड़े चम्मच तिल लेंगे, तिल के दाने। इन्हें हम लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे। अब तिल भी हमारा अच्छे से भून चुका है, कलर इसका बिल्कुल लाइट ब्राउन हो चुका है, तो हम इन्हें भी निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम 1/2 कप कोकोनट पाउडर लेंगे। इन्हें भी रोस्ट कर लेंगे हम अच्छे से। इसे भी सुनहरा ब्राउन कर लेंगे। अब नारियल का बुरादा भी हमारा अच्छे से रोस्ट हो चुका है, तो अब इन्हें भी हम निकाल लेंगे। लास्ट इसमें हम 7 से 8 गार्लिक के क्लोव्स डालेंगे। इसे भी हल्का सा भून लेंगे हम। अब लहसुन की कलियां भी हमारी भून चुकी है, तो इन्हें भी हम निकाल लेंगे और सभी चीज़ों को हम ठंडा कर लेंगे। अब ठंडा होने के बाद हम इन सभी चीज़ों को मिक्सर ग्राइंडर में पीसेंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्राइंडर ले लिया है, तो बादाम को यहाँ पे मैंने छिलके उतार लिए हैं, अभी इन्हें हम पीसेंगे। अब बादाम को पीस जाने के बाद इसमें हम कोकोनट पाउडर और जो हमने तिल भुना था उन दोनों को हम डालेंगे। अब इन्हें भी हम साथ ही में पीस लेंगे। अब लास्ट इसमें हम सूखी लाल मिर्च और लहसुन की कलियाँ भी डाल देंगे। ये सारी चीजें पीस जाने के बाद इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और 2 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अब इन्हें भी हम पीस लेते हैं। ये देखिए, अब हमारी सूखी लाल चटनी बनकर रेडी है। अब ये देखिए, हमारी वड़ा पाव स्पेशल चटनी बनकर रेडी है। अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय।